गुड इवनिंग। आज मैं फिर आपके लिए ठंडी ठंडी एक रेसिपी लेकर आई हूँ। गर्मी का मौसम चल रहा है और लॉकडाउन भी है, तो इस टाइम तो सिर्फ हम घर पर ही कुछ बनाकर खा सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपके लिए एक ऐसी ही रेसिपी लेकर आई हूँ जो आप घर पर इजी बना सकते हैं, और वो भी घर पर सबके पास अवेलेबल है। वो है दही और शक्कर। तो दही और शक्कर से आज हम आपको श्रीखंड बनाना बताएंगे कि कैसे बनाते हैं। और दही वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो हेल्दी रेसिपी है। तो आप लोग जल्दी से देखिए कैसे बनाना है। ये घर का ही जमा हुआ दही है। मैंने 3 पाव दूध लिया था, उसको पका पका करके आधा किलो कर लिया था और फिर उसकी दही जमाया। बहुत ही थिक दही जमी है। अब मैं ऐसा एक मलमल का कपड़ा लूंगी और एक ये छन्नी है स्टील की, जिससे पूरा दही का पानी इससे निकल करके इस बर्तन में जाता जाए। तो इसको पहले एक बर्तन रखेंगे, फिर उसके ऊपर छन्नी रखेंगे और फिर उसके ऊपर ये एक मलमल का कपड़ा रखेंगे, और इसी में ही मैं सारा दही डाल दूंगी। सारा दही मैंने इस कपड़े में पलट दिया है। इसके चारों कोनों को उठा करके इसे ऊपर करेंगे। ये देखिए पानी गिर रहा है। पानी निकालना है दही का, तो इसको ऐसे प्रेस करके ये पूरा दही का पानी ऐसे निकालेंगे। इसमें एक गांठ लगा देते हैं। ऐसी टाइट गांठ एक लगा देंगे। अभी गर्मी का टाइम है तो इसको हम दही को बाहर भी नहीं रख सकते हैं। इसको हम फ्रिज के अंदर 4-5 घंटे के लिए रख देंगे, नहीं तो बाहर रखेंगे तो दही खट्टा हो जाएगा। तो ऐसे ही छन्नी के ऊपर ही दही को फ्रिज के अंदर रख देते हैं। 4 घंटे हो गए हैं, मैं दही को निकाल कर ले आई हूँ फ्रिज से, और मैं अभी दिखाती हूँ आपको नीचे पानी कितना निकला है। देखिए इतना सारा पानी निकला है, और ये पोटली वाला दही है। ये दही को अब मैं खोलती हूँ। ये दही मैंने निकाल लिया, बहुत अच्छा बना है। ये बिल्कुल पानी इससे निकल गया। अब इसमें मैं शक्कर मिलाऊंगी। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शक्कर मिलाइए। अगर दही ज्यादा खट्टा हो तो ज्यादा शक्कर लगेगी, अगर कम खट्टा होगा तो कम शक्कर लगेगी। इसको अच्छे से फेंटते जाएंगे, शक्कर मिला करके अच्छे से फेंटेंगे। मैंने ये जो मेजरिंग कप है, 1 कप शक्कर डाली है। इसमें 1 चुटकी नमक डालनी है, बिल्कुल जरा सा नमक डालना है, और फिर इसको हैंड ग्राइंडर से अच्छे से फेंट लेंगे। आप चाहें तो चम्मच से फेंट सकते हैं, लेकिन इसे फेंटने से श्रीखंड बहुत ही स्मूदी बनेगा। हैंड मिक्सर से फेंटा है मैंने, तो बिल्कुल ये देखिए ये क्रीमी टाइप का हो गया है। अब इसमें ये इलायची पाउडर मिलाऊंगी। और ये थोड़े से बादाम है वो डालूंगी। ये ऑप्शनल है ड्राई फ्रूट्स, अगर आपके घर में बच्चे पसंद नहीं करते हो ड्राई फ्रूट्स तो नहीं भी डालिए। और अगर आपके पास वेनिला एसेंस वगैरह हो तो आप वो डाल सकते हैं। अभी मेरे पास नहीं है इसलिए मैं नहीं डाल रही। ये देखिए हमारा ये श्रीखंड रेडी हो गया। अब इसको एक एयर टाइट डिब्बे में, ये ऐसा एक एयर टाइट डिब्बा लूंगी मैं, इसमें भर करके इसको रख दूंगी फ्रिज में। कम से कम 7-8 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे।
हे गाइस गुड मॉर्निंग। जो रात को श्रीखंड आपको दिखाया था वो पूरी रात मैंने फ्रिज में रख दिया था। अब मैं उसको निकाल कर दिखाती हूँ कैसे बना है। ये हमारा श्रीखंड रेडी हो गया है। देखिए श्रीखंड कितना डिलीशियस बना है। मैंने इसको फ्रिज में पूरी रात रखा था। अगर आप दिन को बना रहे हैं तो आप इसे 7-8 घंटे के लिए रख दीजिएगा। तो निकाल के देखते हैं। बहुत ही अच्छा बना है। आप घर पे ही ऐसा श्रीखंड बना करके एंजॉय कर सकते हैं। आपको बाहर से लाने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा बना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और आप चाहें तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आपको मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ। ओके, बाय बाय।